हम लोग को भगाया जाएगा, अयोध्या नगरी से जाओ, जो अयोध्या नगरी में नहीं वो आके बसे, ये नहीं सोचा था। 30 लाख की जमीन है, 6 लाख दे रही है, जबरदस्ती है। इतनी परेशानी होने के बावजूद कोई मुंह नहीं खोल सकता। वही तो, कि क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? अगर इस टाइम बोल दिए है ना, तो सवेरे पता नहीं जिंदा रहे कि मर जाए। अयोध्या, ये नाम पूरे विश्व में धर्मस्थली राम के नाम से मशहूर है, और हो भी क्यों ना। कहते हैं कि पिछले 500 साल में मंदिर का निर्माण का मामला यहाँ चल रहा था, जो 2024 में फाइनल हो गया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो जय जयकार हो रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको उजाड़ कर नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। विकास की नई बयार अयोध्या के कर्ण कर्ण में तो बह रही है, लेकिन क्या लोगों के दिलों में भी बह रही है? तो फिर अयोध्या वाले कहाँ बसेंगे जाके? अयोध्या वाले जाएंगे 50 किलोमीटर दूर बसेंगे, और जब उनकी जमीन ले लिए, घर ले लिए, तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे कहीं। तो कितना मुआवजा दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की जमीन 1.5 लाख में खरीद के उसको 1 करोड़ में बेच रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं। फसल सब पलट दिए हम लोगों के माजा में, जोत दिए, जबकि बैनामा नहीं किए। एक साल में कितनी पैदावार, कितना फसल में कमाते थे? इसके पैदावार हो गया 1.5 लाख रुपया तो कमाते थे। अभी वर्तमान में क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, पहले जमीन ले, उसके बाद अब मकान ले रहे हैं, मकान भी जा रहा है हमारा, उसके बाद गांव भी खाली कराएंगे। तो जो नई अयोध्या बस रही है, उसमें कौन लोग बसने वाले हैं? उसमें विदेशी लोग बसेंगे, और क्या, यहाँ के आदमी बसेगा? हम लोगों से 4 लाख 5 लाख में खरीद के जमीन, वो 1 करोड़ रुपए विश्रम बेच रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ के लोगों की, लोगों का कहना है कि यहाँ पर नई अयोध्या बसाई जा रही है, जिसमें अयोध्या के लोगों को ही भगाया जा रहा है और बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सोच सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पैदा हो रही होगी और कैसे इन्होंने मजबूरी में आके बैनामा किया होगा। जो इनकी बातें हैं और जो इनकी मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट के पीछे भी कहीं वो दर्द इस तरह से दिखाई दे रहा है कि मेरे भी दिल को छू रहा है। और इन लोगों की तो जमीन गई है, तो इनका क्या हाल होगा? आप बता रहे हैं कि आपके मकानों का भी सर्वे हो गया है, तो कहीं विस्थापन की बात हो रही है, कहीं जगह दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? कहीं कुछ नहीं, ये नहीं मालूम पैसा कितना देंगे। जितना भी पैसा देके वो किनारे हो जा रहे हैं, और इतने दिन का समय दे देंगे कि इतने दिन में घर खाली कर दीजिए। तो अयोध्या में इतनी कीमती जमीन हो गई है कि अभी जो है अमिताभ बच्चन ने खरीदी है जमीन, 10 करोड़ से ऊपर की जमीन खरीद ली है, और छोटी सी जमीन है, ये भी नहीं है कि 1 एकड़ जमीन है। तो जमीन का मूल्यांकन यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे 3,000 से शुरू होता है, कम से कम रेट 3,000 रुपये स्क्वायर फिट है, और कितना चला जाता है इसका कोई भरोसे नहीं है। इसको धर्म की नगरी बना रहे हैं, और धर्म एक धंधा है, अगर यहाँ से पैसा हटा दिया जाए तो भगवान को कोई नहीं पूछेगा। धर्म एक धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है, ऐसा शुरू से लोगों ने कहा है, फिर भी मौर्य अंधभक्त होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हम रामानंदी हैं। तो रामानंदी का मंदिर तो बन गया रामानंदी संप्रदाय से, लेकिन इनको वहाँ पे पुजारी नहीं रखा गया है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं सरकार से भी और ट्रस्ट से भी कि मुझे खेत का भी पैसा मिले। पाई पाई जोड़कर घर बनाने वाले ये गरीब और मध्यम वर्गीय लोग इस महंगाई और बेरोजगारी के समय भी जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन किसी से उसके सर की छत छीन लेना, ये अन्याय है। क्या एक आम इंसान के लिए इस दर्द को महसूस कर पाना इतना आसान है? जिन किसानों की जमीन खरीदी गई है, ली गई है, जो गरीब किसान है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप?
जो जहाँ जमीन दिया गया है वो संतुष्ट बना के लिए वो जितना पैसा पता मांगा हो हमारी तरफ से उतना पैसा दे दिया गया और खुशी से पैसा लिया, जमीन दिया गया और उसको खुशी से पैसा दे दिया गया, वो सब संतुष्ट हैं लेन देन दोनों। आपकी जमीन जा रही है? जी दुकान है, बहुत साल से मेरे ससुर किए, मेरे आजा किए, अब हम लोग कर रहे थे, वो सब है नहीं। तो ये आपकी दुकान जा रही है? हाँ। पूरा घर जा रहा है? तो पूरा जा ही रहा है, दुकान तो हम जा रहे हैं। कितने सालों से यहाँ सब कर रहे थे। कोई आया है अधिकारी यहाँ? हाँ अधिकारी आए थे, उन्हीं तो बोल के गए हैं, चिन्ह लगा के गए हैं, इतना जाएगा चिन्ह लगा के। हाँ और क्या, चिन्ह आएगा कि हम लोग को भगाया जाएगा कि अयोध्या नगरी से जाओ, जो अयोध्या नगरी में नहीं वाके बसे, ये नहीं सोचा था हम लोग। अब जो जिंदगी भर से रह रहे हैं, सास ससुर सब मर गए, कोई सोच रहा था कि ये जाएगा लेकिन नहीं। तो जो आपने भविष्य में नहीं सोचा था वो होने वाला है कि अभी होने वाला तो वह है, सब जा रहा है, हम लोग को मजदूर दरह आदमी कहाँ से ले पाएंगे, तो सरकार उतना भी दे भी नहीं रही है। जैसे कई गांव हैं जी, तो मुआवजे जो गांव हो गए हैं, जो कब्जे मतलब प्राप्त हो गए है, उसका मुआवजा दे दिया गया है। और अगर सहमति से जो है रजिस्ट्री हो रहे हैं, किसान जो है अपना आपके काम से प्रगत हो जा रहा है, तो अपना उनके उनकी रजिस्ट्री किए जा रहे हैं जी। अभी प्रोसेस में आप सब जो प्रोसेस में चल रहा है, कहीं रजिस्ट्री शुरू हुआ है कहीं नहीं, मुआवजा मिलेगा कि जिनका नुकसान होगा जिनका जाएगा मुआवजा मिलेगा, उन्हें अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। घर जाने का मतलब जो पहले से घर बने वो छूटेंगे पहली बार जी, लेकिन अगर मान ली रोड पे आ जा रहा कोई घर, तो उसको जैसे रोड पर नहीं गया जाओ अपना, उसके अगर आएगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके मगर पंजा मुआवजा मिल जाएगा उसको, और बाद में जो बना रहे हैं अवैध रूप से उनको तो गिरा दिया जाएगा। और हम सतग्रहण के निवासी थे, अब हम उजाड़ दिए गए हैं, अब हम बाहर रहते हैं। जब आपने जमीन दी है क्या सर्किल रेट था उस समय? हम लोग की तो ऐसे 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मांग था कोर्ट में, और सर्किल रेट जो है ये समझ लीजिए कि 10 से लेकर के मतलब 50-60 तक का लगभग होगा उस समय सर्किल रेट। हम लोग की ज़मीन जो है बाकायदा मेन जगह पर है, खास जन्मभूमि के बगल है, हम लोग की ज़मीन के समझ लीजिए पश्चिम साइड जो है आयुर्वेदिक अस्पताल है, दक्षिण साइड जो है थाना पड़ता है और प्लस मेन रोड पड़ता है, और फिर उसके आगे पूरब में जो है दक्षिण साइड रेलवे स्टेशन पड़ता है, और ज़मीन के पूरब उत्तर साइड में पुराना बस अड्डा पड़ता है, और ख़ास जन्मभूमि के बगल सटा हुआ है, तो इस हिसाब से उस ज़मीन की कीमत तो बहुत है। अब इसको अब आज के डेट में तो भाई देखना पड़ेगा, उतना नहीं जानकारी है, तो उसी हिसाब से मांग था तो अभी दिए नहीं हैं, देखो आगे कोर्ट में क्या हो डिसीजन होता। अभी तक कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कुछ असर दिखा, कुछ परिणाम दिखा? अभी तो परिणाम क्या जो है, जब कुछ बात हो जाती है जज से फाइनल होने का तो पता चला ट्रांसफ़र हो गया, कहीं कहीं ऐसा है कि तारीखें पर तारीख पड़ता रहता है, और ज़्यादातर तारीख पर जो है हड़ताल रहता है। ट्रस्ट ने नहीं ख़रीदा उसको, यहाँ जो है आवास विकास ने ज़मीनें ली हैं, और एक ज़मीन जो तिहुरा की है वो वही जो इन्वेस्टर समिट में आए हैं लोढ़ा ग्रुप। और ट्रस्ट ने कहाँ की ज़मीनें खरीदी हैं? ट्रस्ट ने यहाँ बाग विजेसर की ज़मीनें थीं, कुछ हैबतपुर की ज़मीनें थीं, कुछ जीहनपुर के लोगों की ज़मीनें थीं, उसको शायद जो हमको सुनने में आया है कि वो पार्किंग के लिए ज़मीन ली है। इसके अलावा भी टेढ़ी बाजार के आसपास भी कुछ ज़मीनें ट्रस्ट ने ली है, अभी और वो लोग भी बात कर रहे हैं, अभी एक लोग से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि हमारी बात हो रही है ज़मीन की। तो ट्रस्ट भाई अब चूंकि मंदिर है तो मंदिर के विस्तार के लिए, उसमें कुछ लोग ठहरने के लिए, पार्किंग के लिए, बहुत तरह की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ट्रस्ट अपनी ज़मीन खरीद रहा है।
लेकिन ये भी सुना गया है कि ट्रस्ट खरीद रहा है फिर महंगे दामों में बेच भी रहा है। नहीं नहीं, बेचने की बात नहीं है। अब ये तो हर जगह देखने में आता है कि कहीं भी कोई डेवलपमेंट विकास होता है तो उसका जो फायदा होता है वो स्थानीय लोगों को कभी नहीं हुआ। स्थानीय लोग हमेशा विस्थापन के शिकार हुए हैं, वहाँ से उनको हटाया ही गया है और दूसरे लोगों को ला करके जिनसे लाभ होता है सरकार को और लोगों को, तो वही लोग आकर के वहाँ जो है बसते हैं, काम करते हैं। अयोध्या शहर में सुंदरीकरण कराने के लिए जमीन और घर पर कब्जा करने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। अभी कितने लोग घर से बाहर या भूमिहीन होंगे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन बिना लोगों की मर्जी उनकी जमीनें हथिया लेना ये कहाँ का न्याय है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।